आज के वीडियो में हम ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जो आपको एजुकेशन से लेकर आपकी लाइफ से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में मदद करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए पहली वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। पहली वेबसाइट है pdfdrive.com। अगर आपको कोई भी बुक्स डाउनलोड करनी है वो भी फ्री में, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट की सबसे खास बात है कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी बुक अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं उससे रिलेटेड बुक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, तो आपको सीधे से इस वेबसाइट पे जाना है जिसकी लिंक हमने दिया है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक रहेगी। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो बुक चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है sparknotes.com। इस वेबसाइट को यूज करने के लिए आपको दिए गए लिंक पर जाना है और वहाँ पे अपना पसंदीदा टॉपिक जो आपको हार्ड लग रहा है, जिसको आपको सिंपल करके चाहिए, वो वहाँ पे डाल सकते हैं। अगली वेबसाइट है mentallogs.com। अगर आपको पूरी दुनिया के कहीं के भी फैक्ट जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कोई भी फैक्ट मिल जाएगा, आप आसानी से इस फैक्ट को पढ़ सकते हैं। अगली वेबसाइट है unpluggedtv.com। अगर कोई भी साइंटिफिक वीडियो आपको देखना है तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक पर क्लिक करना है और वेबसाइट पर जाना है, फिर आपको ये वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। आप उसके बाद यहाँ पे कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अगली वेबसाइट है thebookporn.com। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपनी पुरानी बुक्स को बदल कर नई बुक्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स करना है आप स्वयं की वेबसाइट पर जाकर कोई भी कोर्स सीख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यह कोर्स कराया जाता है, इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए फीस देनी पड़ती है। अगली वेबसाइट है study.com। यहाँ से A to Z सभी चीजें पढ़ने के लिए आपको मिल जाएंगी। अगली वेबसाइट है wallframealpha। यह वेबसाइट आपके क्लास असाइनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें आप मैथमेटिक्स, साइंस और किसी भी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। अगली वेबसाइट है ग्रामरली। इस वेबसाइट की सबसे खास बात है कि अगर आप कोई चीज़ टाइप करते हो उसमें कोई एरर आता है तो ये ऑटोमेटिकली उस एरर को रिमूव करेगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को सही करता हुआ जाएगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।